भगवान, मेरे पास समय नहीं है, मुझे तुम्हारे शस्त्र की जरूरत है, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मंजूर है। बीस मिनट के अंदर सूरज में ग्रहण लगने वाला है, अगले 20 मिनट में ही मुझे अपना काम करना होगा। पॉप्सिकल गले से नीचे उतरने से पहले भाप बन के उड़ जा रही है, अगर सूर्य ग्रहण से पहले घर नहीं पहुंचा तो मम्मी की डांट कान से नीचे उतरेगी। मां रुक जा, तो मैं सारे में घर नहीं जा सकती, अगर करुणा जी को पता चल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल? बोलो नहीं सुनो, क्या मुश्किल हो जाएगी? वो क्या है ना करुणा जी, मैं कह रही थी विवान का मैथ्स टेस्ट है तो उसकी तैयारी पूरी नहीं हुई है, तो बस वही बात कर रही थी। हाँ। अरे तुम दे रही हो ना ट्यूशन विवान को, तो फिर क्या मुश्किल होगी? अरे विवान, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है बेटा? मम्मी छूना नहीं प्लीज। बोलो नहीं सुनो, मैं क्यों नहीं छू सकती तुझे? क्योंकि वो विवान, तुम बाहर से खेलकर आ गए? हाँ आ गया। देखा करुणा जी, इसीलिए आप इसे नहीं छू सकते। हाँ, विवान अभी बाहर से खेलकर आया है ना, पसीनों में कितने कीटाणु होते हैं। हाँ। दीदी बताओ तुम करुणा जी को, तुम तो साइंस टीचर हो है ना? मैं? हाँ बताओ बताओ। किताब से देखकर तो तुम मुझे साइंस बताती हो ना, मैं कैसे बताऊं कीटाणु के बारे में? पसीने के कीटाणु जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी, बराबर ना मैम? वैसे कीटाणु अगर आपने मुझे छू लिया तो वो आपके हाथ में जाएंगे, और अभी आप खाना बना रहे हो तो आपके हाथ से खाने में, फिर खाने से हमारे पेट में, तो अनर्थ हो जाएगा ना। अरे वाह 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 विवान, क्या बात है। देखा करुणा जी, आपका बेटा कितनी अच्छी साइंस पढ़ता है, कीटाणु कहाँ से कहाँ शेयर करते हैं ये भी इसे पता है, देखो। अच्छा तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैंने कुल्फी जमाई है लेकर आके। विवान तू अच्छे से नहा ले बेटा। हाँ, कोई भी बैक्टीरिया वायरस बचना नहीं चाहिए, जा। पानी भरी, मैं 9 साल पहले जब छोटा था ना तब मुझे रहने में हेल्प चाहिए थी, अब मैं बड़े हो गया, मैं खुद नहा सकता हूँ। सॉरी। एक मिनट, अगर आपको कुछ हेल्प करनी है तो टंकी में पानी 0 डिग्री तक ठंडा कर दो ना प्लीज। छवा तुम दोनों आगे, मैं काल लोग जा रही हूँ, बालवीर को वहां मेरी जरूरत है, लेकिन करुणा जी को किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए कि विवान के साथ क्या हुआ था। ठीक है तुम जाओ। बहरानी, नन्ही उंगली की कसम, वो सरबिरा भैमार, वो काल कुंभ ग्रह जा रहा है, और जानती है क्या लेकर? वो लेकर ताकतवर हथियार। तुमने पूछा नहीं क्यों? पूछा ना बहरानी, बिल्कुल पूछा, और जानती है वो ढीठ भैमार क्या कहता है? कहता है कि उस ताकतवर हथियार से एक साथ बालवीर और विवान का शिकार करेगा, एक साथ। बहरानी देखिए ना, तब से मेरी नन्ही उंगली फटकी जा रही है, और जब जब ये फड़की है ना तब तब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, और कहीं वह भैमार कुछ गड़बड़ ना कर दे। भैमार की गड़बड़ सुधारने का वक्त नहीं है मेरे पास जबदाली, क्योंकि कुछ ही देर में सूर्य ग्रहण होने वाला है, और फिर मेरा ये परम अस्त्र जाकर वीर लोक को तबाह कर देगा, फिर ना बचेगा वीर लोक और ना ही बचेगा वो बालवीर। मजा आ रहा है बालवीर से ऐसे पाप करवाते हुए, ऐसा पाप कि जिसमें से सदियों तक मुक्ति ना मिल पाए इसे। ये रहा भैमास्त्र, इसका निशाना मैं विवान पे लगा के देता हूं तुम्हें।
बस कुछ समय और फिर तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये निशाना किस पर लगने वाला है भैमार। विवान, पार्टनर के इलाज का असर कब शुरू होगा? आउच, अब तो मेरे जादू का असर भी कम हो गया है विवान के ऊपर से। अब ये अस्त्र विवान को मार के ही रुकेगा। कैसा लग रहा है बालवीर, अपने ही हाथों से अपनी ही गर्दन काटते हुए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा विवान तुम्हारे हाथों से मरने वाला है। चलाओ भैमास्त्र। सिर्फ 10 मिनट और बाकी है जब सूर्य, धरती और चंद्रमा एक कतार में होंगे और मैं हथियार तभी चलाऊंगा। थोड़ी देर हमें बाद फिर ये गर्मी ठीक हो जाएगी। कहीं आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? मेरे शरीर में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आप लोग मुझे बस तरह से दे रहे। नहीं नहीं विवान, हम लोग तुमसे कुछ नहीं छुपा रहे। हाँ विवान, ऐसा कुछ नहीं है। विवान को उसके कमरे में ले चलो परियो, यहाँ रहेगा तो करुणा जी को शक हो सकता है। ये ले बेटा कुल्फी का। अरे पकड़। नहीं चाहिए। अरे तो तुझे तो पसंद है ना केसर वाली कुल्फी, तेरी फेवरेट है। हाँ लेकिन मेरे टीचर्स के सामने मैं पहले कैसे खा सकता हूँ? आपने ही सिखाया ना। अरे हाँ ये भी है, तो कोई बात नहीं, तू अपने टीचर्स को खुद ही खिला देना। ये ले। अरे ले ना, खुद ही खिला दे। ले खिलाएंगे। अरे ले ना, पकड़। अरे पकड़ कुल्फी, ले खिला दे। अरे तुम लोग बैठो ना। बहमार, तुम्हारी तारीफ तो करनी पड़ेगी, बड़े ही वफादार हो तुम। क्या क्या कहा? क्या क्या? किसकी वफादारी? अरे ये तो खुद भैरानी की गद्दी छीनना चाहते हैं, इसलिए तो तुम्हें बिना बताए ये अस्त्र दे रहे तुम्हें। हाँ।
वफादारी किसी एक इंसान के लिए नहीं होती, पूरी प्रजा के लिए होती है, काल लोक की भलाई के लिए। अगर तुम दिमनासा को गद्दी से उतारना चाहते हो तो यह तुम्हारी वफादारी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम पृथ्वी को बचाने के लिए विवान को मारने के लिए तैयार हो गए। क्या हो रहा है? ऐसी हवा तो भरानी भराजा के अंदर भरती है। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गई तारीफ, आप जल्दी से चलाओ अस्त्र। बस 2 मिनट और है ग्रहण में। वैसे आपकी भी तारीफ होनी चाहिए तवा तब। क्या? मेरी? क्या? मेरी तारीफ? अरे मैं तो खुद बदतमीज, मुफ्फट और बहुत बदनाम प्राणी हूँ। अरे मेरा नाम ही तोबा तोबा है। लेकिन आप अपने भैराजा का साथ कभी नहीं छोड़ते। सो तो है भैराजा। ये तो ऐसे ही काल लोक के आने वाली पीढ़ियां आप दोनों को आपकी वफादारी के लिए हमेशा याद रखेगी। करुणा जी, कहीं ये सूर्य ग्रहण की वजह से तो नहीं हुआ? और सूर्य ग्रहण की वजह से कुल्फी पिघल जाए, ऐसा तो कभी नहीं सुना। लेकिन मैंने सुना है ना करुणा जी, सूर्य ग्रहण के दौरान ग्रह नक्षत्र की दशा बदल जाती है, सूर्य की खतरनाक किरणें धरती पर आ जाती है, शायद इसीलिए कुल्फियां पिघल गई हो। हमारी मम्मी तो यहाँ तक ही कहती है कि सूर्य ग्रहण के समय खिड़की और दरवाजे बंद ही रखने चाहिए। हाँ हाँ, अब बंद कर दीजिए, जाइए। हाँ, मैं बंद करके आती हूँ। हाँ हाँ, और करुणा जी, हम ना विमान को अंदर लेकर जाते, साइंस की पढ़ाई तो हो गई, अब मैच भी करवा देते, ठीक है? हाँ, तब तक कुर्सियाँ भी जम जाएगी। हाँ, जाइए जाइए, ढंग से पढ़ाना उसे। हाँ ये गर्मी तो विवान के दिमाग तक पहुंच गई है, शायद इसीलिए इसे बेहोशी छा रही है। हाँ, बालवीर ने कहा था ग्रहण के दौरान सूर्य का ताप कमजोर हो जाता है। ज्वाला परी, तुम अपनी शक्तियों से विवान के माथे से सूर्यांश बाहर निकालो। मुझे लगता है हम सबको मिलकर विवान की धड़कन को सामान्य रखना पड़ेगा। चलो परियो। सूर्य ग्रहण लग चुका है, यही सही मौका है। काश के तुम में वफादारी के साथ तुम दोनों में थोड़ी अक्ल भी होती। काश तुम्हें यह पता होता कि थोड़ी ही देर में सूर्य ग्रहण होने वाला है। काश तुम ये जानते कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की गर्मी कम हो जाती है। काश तुम्हें झूठी तारीफ की इतनी भूख ना होती। बोलने का समय समाप्त, अब होगा खेल शुरू।
ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ये भयमास्त्र है, ये अब विवान को मार के ही रुकेगा। वायु की गति से आगे बढ़ेगा ये हथियार। काश के तुम्हें पता होता भयमार कि वीर लोग की इतनी सारी परियों में से एक परी वायु परी भी है। अब ये अस्त्र धरती का नहीं काल लोक की तबाही का कारण बनेगा। सूर्यांश बाहर निकल गया। हाँ, विवान का शरीर भी अब थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। विवान, तुम्हें कैसा लग रहा है? विवान, विवान, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? विवान आँख क्यों नहीं खोल रहा है? विवान आके खोलो विवान, विवान उठो ना। जाओ परमास्त्र और जाकर वीर लोक के पर खच्चे उड़ा दो। ताकतवर हथियार जो मैं मार लेकर गया था, मेरा नहीं रोकी इसे। अगर एक काल लोक पर गिरा तो वो आ जाएगी। ले अब तो इसे रोकने का एक ही रास्ता बचा है। धोखा क्या मेरे साथ? अच्छाई परेशान हो सकती है लेकिन पराजित नहीं। पर हुआ, हार तो मुझे लग रहा था कि मैं बापू उनकी तरह बापू हो जाने वाला हूँ। बड़े के होते हुए छोटे को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपने ये सब किया कैसे? मैंने दरअसल चलाओ भयमास्त्र।
और इस तरह मैंने भयमार की योजना पर ग्रहण लगा दिया। काश मैं भी वहां होता, बस भयमार का छोटा मुंह देखने के लिए। अच्छा विवान, ये बताओ इस सच से तुम क्या सीखी? लो अभी तो मैं बेड से उठा हूं और आप मेरी क्लास ले रहे हो। विवान, पूरी जिंदगी क्लास होती है। जो इंसान पूरी जिंदगी में कुछ नहीं सीखता वो ना समझ होता है, लेकिन जो हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है वो समझदार होता है। और ना समझ तो मैं हूं नहीं, तो ठीक है। तो मैंने ये सीखा कि हमें अनजान लोगों से ना टॉयज लेने चाहिए, ना टॉफी और ना आशीर्वाद लेना चाहिए। अरे अंदर क्या कर रहे हो सब लोग, कुल्फी जम गई। अरे देख तुम। हाँ करुणा जी, अब आपकी केसर कुल्फी के बिना कौन रह सकता है? अरे सब टीचर्स तुम्हें ट्यूशन लेने आए हैं और तुम मस्ती कर रहे हो। एक मिनट। ओह मैं तो भूल ही गया, सारे जम तो धुल चुके हैं ना, अब आप कान खींच सकती है, ये लो।